हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप फ्रेंड्स। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा आप किस तरीके से सेकंड हैंड कार रीसेलिंग वेबसाइट बना सकते हो। जैसे कि आपने OLX वगैरह भी देखा होगा, आप इस तरीके की वेबसाइट बना सकते हो जहां पे लोग अपनी सेकंड हैंड कार्स और बाइक्स वगैरह को सेल कर पाएंगे। दूसरे लोग जिन्हें वो कार और बाइक परचेज करनी है वो वहां से अपने नीड के अकॉर्डिंगली कार एंड बाइक्स परचेज कर पाएंगे और बीच में आपको कमीशन मिल सकता है। साथ ही आप इस वेबसाइट में एड रेवेन्यू भी जनरेट कर सकते हो। एंड अगर आप कोई कार डीलर हो या फिर आप किसी कार डीलर के लिए वेबसाइट बनाना चाह रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो फ्रेंड, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने ऑलरेडी वर्डप्रेस को अपने सर्वर पे इंस्टॉल किया हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड पे चलते हैं। फ्रेंड्स, वेबसाइट के डैशबोर्ड पे आने के बाद हमें सबसे पहले यहाँ पे अपीयरेंस पे जाना है, थीम्स पे क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स, अब हमें यहाँ पे वर्डप्रेस थीम को इंस्टॉल करना है। तो थीम इंस्टॉल करने के लिए आपको यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करना है, अपलोड थीम पे क्लिक करना है। और फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे जो हमारी थीम फाइल है उसे चूज करके इंस्टॉल करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें थीम फाइल को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो थीम को डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली गूगल पे सर्च करना है मकास, MAKAZ। मकास सर्च करने पे आपके सामने जो फर्स्ट लिंक शो होगा makaz.in, उसको आपको ओपन कर लेना है। फ्रेंड्स, लिंक पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। फ्रेंड्स, मैं इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके भी इस वेबसाइट पे आ सकते हो। फ्रेंड्स, इस वेबसाइट पे आपको वर्डप्रेस के बहुत सारे प्रीमियम प्लगइन्स एंड थीम बहुत ही कम रेट पे मिल जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एलिमेंटा प्रो सिर्फ आपको 99 रुपीज में मिल रहा है। इसके अलावा भी आपको यहाँ पे दूसरे थीम्स एंड प्लगइन भी बहुत ही कम प्राइस में दिख रहे होंगे। जैसे कि आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे थीम्स पे क्लिक करता हूँ, फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारे वर्डप्रेस के प्रीमियम थीम्स हैं और इन सभी का प्राइस 199 रुपीज है, 299 रुपीज है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो यहाँ पे ये सारे वर्डप्रेस के प्रीमियम थीम है और इनमें से मोस्ट ऑफ का जो प्राइस है 199 रुपीज ही है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने थीम को डाउनलोड कर लेते हैं। तो थीम डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे सर्च करना है प्रीमियम प्रेस। प्रीमियम प्रेस टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च पे क्लिक करना है और उसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने ये सर्च रिजल्ट आएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको प्रीमियम प्रेस के बहुत सारे थीम्स मिल जाएंगे और इनमें से एक थीम है प्रीमियम प्रेस कार डीलर थीम। तो इस पे मैं क्लिक करता हूँ। फ्रेंड्स, इस थीम को आपको डाउनलोड कर लेना है। इस थीम का प्राइस 399 रुपीज है। तो मैंने इसे ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, इसको डाउनलोड करने का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लिंक पे क्लिक करके भी इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, मैंने इसे ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी वेबसाइट पे चलते हैं और यहाँ पे अब हम चूज फाइल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, आपने जो फाइल makaz.in से डाउनलोड किया है उसे आपको सेलेक्ट कर लेना है एंड ओपन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, ये थीम आपकी इंस्टॉल हो जाएगी। उसके बाद आपको इसे एक्टिवेट कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी थीम जो एक्टिवेट हो गई है। इसके बाद आपको यहाँ पे बिगिन सेटअप का एक ऑप्शन आएगा, तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ। तो उस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, आपके सामने कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो आपके सामने कुछ इस तरह का सेटअप आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अपनी वेबसाइट में जो डेमो कंटेंट है, जो हमारी वेबसाइट का डिजाइन होगा, वो इंस्टॉल कर लेते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पर डिजाइन का एक ऑप्शन मिलेगा, तो इस पर आपको क्लिक करना है। डिजाइन पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, आपके सामने ये ऑप्शन आएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे चेंज डिजाइन का ऑप्शन मिलेगा, तो इस चेंज डिजाइन पर मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स, आपके सामने कुछ डिजाइन होंगे जिनका यूज करके आप अपनी वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हो। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो, अगर आप सेकंड हैंड कार के लिए वेबसाइट बनाना चाहते हो तो इस तरह के डिजाइन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। उसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप साइकिल्स वगैरह को रीसेल करना चाहते हो या फिर आप किसी क्लाइंट के लिए या जो बूट्स वगैरह को रीसेल करना चाहते हो, तो उन सब के लिए भी आपको डिजाइन यहाँ पे मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बाइक्स के लिए डिजाइन है और इसके अलावा बसेस वगैरह के लिए, स्कूटर्स वगैरह के लिए, मीन्स आप किसी भी नीश पे अगर कोई वेबसाइट बनाना चाहते हो जहाँ पे आप कार्स वगैरह या दूसरे किसी व्हीकल को सेल आउट करना चाहते हो, ऐसी वेबसाइट बनाना चाहते हो जहाँ पे दूसरे लोग अपनी सेकंड हैंड कार या दूसरे किसी सेकंड हैंड व्हीकल को आपके प्लेटफॉर्म पे आके सेल करें, उन सभी के लिए आपको यहाँ पे डिजाइन मिल जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इनमें से किसी एक डिजाइन को चूज करके हम अपनी वेबसाइट को क्रिएट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं ये जो फर्स्ट डिजाइन है इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे इंस्टॉल थीम पे क्लिक करता हूँ। फ्रेंड्स, इंस्टॉल थीम पे क्लिक करते ही जो आपने डिजाइन चूज किया वो आपके वर्डप्रेस वेबसाइट पे इंस्टॉल हो जाएगी। तो आपको मैं जैसे यहाँ पे दिखाता हूँ इसे रिफ्रेश करके दोबारा से, तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके का जो हमारी वेबसाइट का फ्रंट पेज शो हो रहा है हमें। तो ये कार्स की लिस्टिंग वगैरह है जो यूजर्स आपकी वेबसाइट पे करेंगे। फ्रेंड्स, इस वेबसाइट का यूज करके आप दो तरीके से अर्निंग कर सकते हो। एक तो आप जो अपने सेकेंड हैंड कार्स की लिस्टिंग करेंगे आपकी वेबसाइट पे, उनसे कोई फीस वगैरह ले सकते हो। साथ ही आप
यहाँ पे गूगल एडसेंस का यूज करके भी अपनी इस वेबसाइट पे एड्स लगा के अर्निंग कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूँ आपको इस वेबसाइट को किस तरीके से सेटअप करना है। तो उसके लिए फ्रेंड्स आपको अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड पे जाना है दोबारा से, और यहाँ पे आपको फ्रेंड्स प्रीमियम प्राइस का ऑप्शन मिलेगा, तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ। तो फ्रेंड्स ये कुछ इस तरीके का आपको डैशबोर्ड शो होगा। यहाँ पे आप आपके टोटल यूजर्स, टोटल आपके जो कार्स लिस्टेड है वो कितने हैं, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इसके अलावा फ्रेंड्स जो ये दूसरे डिटेल्स है आप यहाँ पे देख सकते हो, मीन्स टोटल सेल कितनी है, पेड सेल कितनी है, ये सारी चीजें आप यहाँ से देख सकते हो। आप अपने यूजर्स वगैरह को यहाँ से मैनेज कर सकते हो, ऑर्डर्स वगैरह देख सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स अब मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूँ कि दूसरे लोग जो आपकी वेबसाइट पर किस तरीके से आएंगे और रजिस्टर्ड होंगे। तो उसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे यूजर्स पे जाना है और यूजर सेटिंग्स पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको अलाउ करना है कि दूसरे लोग भी आकर के आपकी वेबसाइट पे अपने कार या किसी और दूसरे व्हीकल को रजिस्टर कर पाए। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले इसे ऑन कर देना है। तो मैंने यहाँ पे इसे ऑन कर दिया। अब मैं इस वेबसाइट को दूसरे विंडो में ओपन करके आपको दिखाता हूँ किस तरीके से वर्क करेगा। तो ये इनकॉग्निटो विंडो ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे, और अपनी वेबसाइट को यहाँ पे ओपन करता हूँ। तो फ्रेंड्स ये हमारी वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो गई है। अब फ्रेंड्स लेट सपोज किसी को अपने कार को लिस्ट करना है आपकी वेबसाइट में, तो सिंपल यहाँ पे ऐड व्हीकल पे उसे क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पे उसको कार को ऐड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। मीन्स कि यहाँ पे वो अपने कार का नाम डाल सकता है, कार टाइप डाल सकता है, मॉडल नंबर वगैरह डाल सकता है, लोकेशन वगैरह डाल सकता है। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है किस तरीके से दूसरे यूजर्स भी आकर के आपकी वेबसाइट में अपने कार्स वगैरह को लिस्ट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब प्रीमियम प्राइस थीम के जो दूसरी सेटिंग्स है उन्हें भी देख लेते हैं। फ्रेंड्स इन सभी सेटिंग्स के बारे में मैंने बिल्कुल डिटेल में बताया हुआ है ऑलरेडी एक वीडियो में। अगर मैं वो सारी डिटेल्स दोबारा यहाँ पे बताऊंगा तो ये वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी। आप उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से देख सकते हो। तो यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपको बस बेसिक ओवरव्यू दूंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कार्ड्स पे क्लिक करता हूँ और ऑल कार्ड्स पे क्लिक करूंगा। तो फ्रेंड्स जब मैं ऑल कार्ड्स पे क्लिक करूंगा तो आपकी वेबसाइट पे जितनी भी कार्स होंगी जो लिस्टेड होंगी वो सब आपको दिख जाएंगी। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे कार सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाता है, तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप पैकेजेस वगैरह क्रिएट कर सकते हो और कार पेज का जो डिजाइन वगैरह वहां से चेंज कर सकते हो। फ्रेंड्स इस वेबसाइट को कस्टमाइज करने के लिए आप एलिमेंटर का भी यूज कर सकते हो। आप इस वेबसाइट के किसी भी पेज को एलिमेंटर से इजीली कस्टमाइज कर पाओगे। मैं बैक पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आप इमेज गैलरी वगैरह ऐड कर सकते हो, और यहाँ पे फ्रेंड्स आप पैकेजेस वगैरह, अपग्रेड्स वगैरह, बैजेस वगैरह क्रिएट कर सकते हो। मीन्स आप अपनी वेबसाइट पे पैकेजेस वगैरह सेल कर सकते हो। मान लो कोई कार डीलर है और वो रेगुलर आपकी वेबसाइट पे अपने कार को पोस्ट करना चाहता है, तो आप उसके लिए एक पैकेज क्रिएट कर सकते हो। मीन्स कि वो आपको एक अमाउंट पे करेगा और उसके बदले में आप नंबर्स ऑफ लिस्टिंग उसको प्रोवाइड कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट फ्रेंड्स आपके यहाँ पे कार फील्ड्स का ऑप्शन मिलता है, तो उस पर मैं क्लिक करता हूँ। और फ्रेंड्स यहाँ से आप चेंज कर सकते हो कि जो लिस्टिंग होगी उसमें क्या क्या डिटेल्स वगैरह आप यूजर से लोगे, जैसे कि ईयर है, मीन्स की जो कार है वो कौन से ईयर की है, कंडीशन वगैरह है क्या है, उसकी बॉडी क्या है, फ्यूल्स वगैरह क्या है, ट्रांसमिशन, इन सब की डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा आपको कोई और डिटेल्स भी चाहिए तो आप यहाँ से वो डिटेल्स वाली फील्ड जो है ऐड कर सकते हो। तो दोबारा से मैं यहाँ पे कार्स पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे सर्च सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप सर्च की सेटिंग्स वगैरह को सेटअप कर सकते हो। मीन्स की जो आपके विजिटर है वो क्या क्या कीवर्ड्स वगैरह या क्या क्या सर्च फिल्टर्स लगा के कार्स सर्च कर सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। मैं इस वेबसाइट को दोबारा से यहाँ पे खोल लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे सर्च पे क्लिक करता हूँ एक बार। तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो फिल्टर्स वगैरह लगे हुए हैं, जैसे कौन से मॉडल के आपके यूजर को कार सर्च करनी है, और उसके अलावा जो कीवर्ड्स वगैरह, लोकेशन वगैरह, फ्यूल्स वगैरह, ट्रांसमिशंस वगैरह, कंडीशंस वगैरह, ये सारी चीजें जो आपके यूजर्स वगैरह यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स आप यहाँ से कैटेगरीज वगैरह क्रिएट कर सकते हो। फ्रेंड्स इस वेबसाइट पर मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ, अगर आपको डिटेल में इन सभी सेटिंग्स के बारे में जानना है तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है और आप उसे देख सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स यूजर्स का, तो आप यहाँ पे यूजर्स वगैरह को मैनेज कर सकते हो। मीन्स की जो आपके सभी यूजर्स हैं उनकी डिटेल्स आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी, और यूजर सेटिंग्स वगैरह भी आप यहाँ से कर सकते हो। मीन्स आप अपने यूजर्स को क्या क्या परमिशन देना चाहते हो, लॉगिन पेजेस वगैरह की सेटिंग यहाँ से कर सकते हो, रेटिंग एंड कमेंट्स वगैरह यहाँ से आप, मैसेज सिस्टम वगैरह यहाँ से आप सारा कुछ सेटअप कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स मेंबरशिप का, यहाँ पे मेंबरशिप के बारे में आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप मेंबरशिप क्रिएट कर सकते हो अपने यूजर्स के लिए। लेट सपोज फ्रेंड्स कोई ऐसा प्रीमियम कंटेंट है जो आप अपनी वेबसाइट में सिर्फ प्रीमियम यूजर्स को ही दिखाना चाहते हो, या फिर आप कोई ऑफर्स वगैरह सिर्फ अपने प्रीमियम मेंबर्स को ही देना चाहते हो, तो वो सारी चीज़ें जो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो, प्रीमियम मेंबरशिप यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हो। एंड फ्रेंड्स यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है ऑर्डर्स का। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपके जितने भी ऑर्डर्स वगैरह है, मीन्स की जो भी मेंबरशिप के ऑर्डर्स वगैरह, यहाँ आपको
शो हो जाएंगे। नेक्स्ट फ्रेंड्स यहाँ पे चेकआउट का ऑप्शन है। चेकआउट ऑप्शन में फ्रेंड्स आप यहाँ पे पेमेंट गेटवे वगैरह को ऐड कर सकते हो, रीजन्स वगैरह, कंट्री, कूपन कोड, क्रेडिट सिस्टम वगैरह यहाँ से आप ऐड कर सकते हो। और ये फ्रेंड डिजाइंस के बारे में तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, यहाँ से आप अपनी वेबसाइट का डिजाइन चेंज कर सकते हो। और इसके अलावा फ्रेंड यहाँ पे कस्टमाइजेशन पे आप यहाँ पे वेबसाइट का लोगो, वेबसाइट की कलर, हेडर, फुटर, वेबसाइट का जो पेज वगैरह है और वेबसाइट की लैंग्वेज वगैरह यहाँ से आप कस्टमाइज कर सकते हो। नेक्स्ट फ्रेंड्स यहाँ पे ईमेल का है और ईमेल सेटिंग्स वगैरह आप यहाँ से कर सकते हो। मीन्स कि जब भी आपकी वेबसाइट पे कोई रजिस्टर्ड होता है तो उसको भी कब ईमेल जाएगा, या फिर कोई नोटिफिकेशन वगैरह के लिए आप कोई ईमेल वगैरह भेजना चाहते हो तो यहाँ से आप भेज सकते हो। और नेक्स्ट ऑप्शन फ्रेंड्स यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट का, तो यहाँ पे ऑल एडवर्टाइजमेंट में क्लिक करता हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट पे एड्स लगा सकते हो, आप अपनी वेबसाइट के डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे, लोकेशंस पे एडवर्टाइजमेंट ऐड कर सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ पे गूगल एडसेंस का भी यूज करके एड्स को लगा सकते हो। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो क्विक सेटअप का ऑप्शन है, यहाँ आप साइड बार में लगा सकते हो और साइड बार बॉटम में लगा सकते हो, सर्च मिडल पे लगा सकते हो। यहाँ पे आप जहाँ जहाँ अपनी वेबसाइट पे ऐड लगा सकते हो वो प्लेस यहाँ पे आपको मेंशन की गई है। और नेक्स्ट फ्रेंड्स यहाँ पे एसईओ का, फ्रेंड्स इस थीम में आपको एसईओ के लिए कोई दूसरे प्लगइन को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, इसमें ऑलरेडी प्री बिल्ड एसईओ टूल्स अवेलेबल है। आपको सिंपल इसको ऑन करना है और यहाँ पे मैं इसको सेव सेटिंग पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आपको हर एक पेज के लिए अलग अलग एसईओ मिल जाएगा। और अगर आपको यहाँ पे डिटेल में इसके बारे में समझना है तो यहाँ पे ये ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन है, इस पर आप क्लिक करके भी इसे देख सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स सेटिंग्स का, तो यहाँ पे मैं सेटिंग्स पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड्स सेटिंग्स में आप अपनी वेबसाइट पे कंपनी की डिटेल्स, मोबाइल, मेन्यू और करेंसी, SMS का, अगर आप गेटवे वगैरह को यूज करना चाहते हो, आप चाहते हो OTP वगैरह सिस्टम यहाँ पे ऐड करना, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। और इसके अलावा फ्रेंड्स आप गूगल मैप्स को यहाँ इस वेबसाइट में इंटीग्रेट कर सकते हो, मीन्स कि आपकी वेबसाइट जिस लोकेशन पे खुलेगी वहीं के आसपास के जो लिस्टिंग वगैरह आपको शो होगा, तो इसमें आपको गूगल API की जरूरत पड़ेगी। और दूसरे यहाँ पे मैप बॉक्स है। इसके अलावा आप विदाउट की भी यूज कर सकते हो, मीन्स कि आपके यूजर्स को मैनुअली लोकेशन सेलेक्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स गूगल एडसेंस का, तो जो मैंने आपको पहले बताया है आपको इसमें कुछ नहीं करना, सिंपल आपको इसे ऑन करना है और जो गूगल एडसेंस का जो कोड है उसको आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इसमें ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट में गूगल एडसेंस के एड शो होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो देखा फ्रेंड्स कितने ईजी तरीके से आप सेकेंड हैंड कार या किसी भी व्हीकल की वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हो। और फ्रेंड्स जो सेटिंग्स के बारे में मैंने आपको बताया है, मैंने सिर्फ ओवरव्यू दिया है, अगर आपको डिटेल में जानना है तो मैंने आई बटन पे भी उसका लिंक डाला हुआ है, साथ ही मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाला हुआ है, आप उस पर क्लिक करके इसकी सेटिंग्स को डिटेल में समझ सकते हो। मैंने इसमें डिटेल में इसलिए नहीं बताया क्योंकि अगर मैं इसमें डिटेल में बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और जो चीज़ मैंने ऑलरेडी बताई हुई है तो उसको दोबारा बताने का भी कोई मतलब बनता नहीं है। एंड फ्रेंड्स अगर आपको कोई भी डाउट्स वगैरह है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं इस तरीके की वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।